नमो तस्सी भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्सी भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्सी भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। तो सुगति बुद्ध भगवान से मेरी विनती बारंबार, हाथ पकड़ी ना छोड़ियो मेरी ना भूल गईयो पार। नमन करे उन बुद्धि को जी कैसे करुणागार, दुख मिटावन पथि दिया सुखी करन संसार। आओ मानव मानवी चले धर्म की राह, कितने दिन भटकती फिरे सो कितने दिन गुमराह। की मुयास लगी ची परदारी ये सूरति मधुर दिखा। बालाजी कैसेट कंपनी ग्राम कोडरा पोस्ट बादशाहपुर घरौर मैनपुरी के माध्यम से। तो आइए देखेंगे मैं उपेंद्र कुमार बौद्ध के किस प्रकार से भगवान बुद्ध का विवाह हुआ था। तो आइए गौर करते हैं। जब भगवान बुद्ध की उम्र 16 वर्ष की है
इधर महाराज सिद्धोधन को पोषित ऋषि की वाणी हृदय में कौंध रही है, तो याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों। के चिंता के अब कारण राजा ने कठिन पैज ठानी, अरे अकिलोई मेरो लाल लला कहूं बैरागी न जाबे भैया, नहीं घर में कोई ओतारी तो रे अकिलोई मेरो लाल लला नहीं जो बलकारी भैया, अरे पेशनाई होनी से जाते पर सीतो जनी महाराज मेलन में अति दुख जू पावे भैया, याद रखना मेरे भैया। इधर सिद्धोदन को असित ऋषि की वाणी हृदय में कौंध रही है, क्योंकि असित ऋषि ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र अगर बैराग धारण करेगा उसका कारण सिर्फ एक ही होगा, अगर ये दुख में संसार को देखेगा तो निसंदेह बैराग धारण कर लेगा। वही बात महाराज सिद्धोदन को याद आ जाती है, तो याद रखना जिस समय मंत्री पास में आया है तो उदास देखा है महाराज को, एक बात पूछने लगा है मंत्री, के किस कारण से मेरे स्वामी और जो काया सब को मिलानी है, सब जाकर मंत्री बोला है महाराज सिद्धोदन से, किस कारण से मेरे स्वामी जो काया सब कुमिलानी है, या चिंता दिल में लगी भई जो चेहरा को डर की गया पानी है, मेरे भैया। इधर जिस समय मंत्री ने आकर ये बात पूछी है, महाराज क्या बात है जो आपका चेहरा इतना उदास क्यों है, तो मंत्री ने बार बार पूछने पर राजा ने कहा बेटा क्या बताएं, और जवाब दिया कि अरे तब चिंता छाई गई मन में, आ
ते लगो तो बातन में अकिलो लला तो है मेलन में कऊ नाई बंधी रे जाए पैरागन में ऐसा ही नहीं आर तेनु ना चैनु रे रात नाई नी दिया चिंता गई है कि बदन में समाज अरे अकलोई लला तो है रे मेलन में तो कहूं बेरा की रे न बन जाए आरे होनी बिना डरे रे नहीं करी बीरन ध्यान रे बिसर नहीं जाए होनी बिना रे बहे नहीं भये तो पीरन ध्यान रे बिसर ना जाए मन नहाए ले मूरिख बाबरिया जपन शीले गंगा में जब पंचशील गंगा में चार करोड़ा मई गंगा में मन नहाए ले मूरिख बाबरिया जा पंचशील गंगा में मेरे भैया महाराज ने उदास होकर मंत्री से कहा बेटा क्या बताएं इस संसार में प्राणी को क्या ना क्या कष्ट मिलते हैं तुम्हें तो मालूम है सिर्फ मेरा एक ही पुत्र है जो भी असित ऋषि ने कहा था कि ये दुख में संसार को देख लेगा तो वैराग धारण करेगा तो मंत्री आज राजा के बार बार कहने पर मंत्री ने कहा महाराज तो इसमें चिंता की क्या बात है तुम्हें एक उपाय बताएंगे एक युक्ति बताएंगे जिससे तुम्हारा पुत्र शायद वैराग धारण करने से बच जाए तो एक बात कही है मंत्री ने कि अगर कुमार को मनवारा जनुराग में बन जावे महाराज ने इतनी बात कहने पर मंत्री ने समझाया है कि महाराज ऐसा करो सिद्धार्थ का विवाह कर दो शायद इस बंधन में बंधने के बाद शायद वैराग धारण से बच जाएगा तो राजा ने मंत्री से कहा ऐसा करो हमारा पुत्र महलों में बुलाओ एक बात की तो कहने लगे कि राजा ने मंत्री पठु पाए प्रेम सहित बेटा बुलवाए राजा ने मंत्री पठु पाए प्रेम सहित लाला बुलवाए प्रेम सहित लाला बुलवाए
राजा ने यूं वचन सुनाए, राजा ने वचन सुनाए। इस तरह से आज मंत्री को भेजा है सिद्धोधन को, ये शंका है कि हमारा पुत्र कहीं बैराग धारण ना कर ले, इसलिए मंत्री को भेजा है और सिद्धार्थ को पास में बुलाया है। तो सिद्धार्थ पास बिठा करके महाराज ने एक बात कही, बेटा कि मेरे लला प्राण प्यारे और जइयो स्वयंवर मेरे लाड़े, समझाकर आज कहने लगे महाराज, बेटा मेरे लला प्राण प्यारे जइयो स्वयंवर मेरे लाड़ ले। समझाया है महाराज सिद्धोधन ने, मेरा चो स्वयंवर बाप बेटा जइयो और दंडपाल की सुंदर बिटिया, दंडपाल की सुंदर बिटिया तुम बिबाई ले आइयो, मेरी नैया के सहारे जइयो स्वयंवर मेरे लाल ले। ऐसा करो बेटा, तुम्हारी माँ घर में अकेली है, देवदाह से पत्र आया स्वयंवर का, ऐसा करो तुम वहां चले जाओ और सुंदर बिटिया दंडपाल की सुनो लला इसकारी, और सुंदर लली और सुंदर लली खिली उजियारी, सुंदर लली खिली उजियारी फूलन सी फुलवारी, मेरे मनैया के सहारे जइयो स्वयंवर मेरे लाल ले। मेरे भैया, तो महाराज सिद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा है, बेटा ऐसा करो देवदाह में दंडपाल की बेटी जिसका नाम है सुधरा, उसका स्वयंवर है, चले जाओ, शायद गोपा तुम्हें पसंद कर ले, तुम्हारा विवाह हो जाए। तो आज सिद्धार्थ कहने लगे, पिताजी ये क्या कह रहे हो, अभी हमारी उम्र कुछ नहीं है। तो समझाकर सिद्धार्थ ने कहा है के अरे में कि हाथ जोड़ी गौतम कहे अरे मेरे बबूला, मुई बंदन बांधियो औरी भैया हमारे महल में अरे मेरे दादा, पाउन को भी जबाइयो मेरे भैया।
इस तरह से गौतम ने कहा, पिताजी हमारी कोई उम्र नहीं है अभी। तो सिद्धोदन ने कहा, बेटा हमारे वचनों पर गौर करो, हम क्या कह रहे हैं, आखिर तुम हमारे पुत्र हो। देख बात कही है महाराज सिद्धोदन ने कि मानो मानो बचन मेरे, मानो बचन मान जाना, घर में सुंदर बहू समझा रहे हैं आज सिद्धार्थ को। मानो मानो ललन मेरे, मानो बचन मानी जाना, घर में सुंदर बहू लेके आना। और काहे घर में मैया लला तेरी अकली भई, करुणे मैया लला तेरी अकली भई, तुमसे कह रहे ललन मेरी मानो सही, खुश होएगा सारा जमाना, घर में सुंदर बहू मेरे भैया। इस तरह से आज सिद्धार्थ को समझा रहे हैं। तो सिद्धार्थ आखिर बेटा होने के बाद पिता की आज्ञा को स्वीकार किया है, तो ऐसा ही नहीं, आज पिता की आज्ञा के बाद सिद्धार्थ ने के बबूला की आज्ञा पा करके और स्वयंवर की करी तैयारी है। पिता के कहने पर बबुला किया क्या बात करके बेटा ने करी तैयारी है। और सिद्धो धन के महलों में खुशियां छाई अति भारी, मेरे भैया। आज समझाने के बाद सिद्धार्थ ने स्वयंवर की तैयारी की है, ऐसा ही नहीं, उन महलों के बीच आज सिद्धार्थ को बरना बनाया गया, कितने सुंदर थे कि आज कपिल वस्तु के बीच और बने हैं गौतम वरना आज आजी कपिल वस्तु के बीच बने हैं गौतम वरना जी गो
कितने सुंदर थे। अरे मारे और माथे मोरा सुंदर शोभे सर घुंघराले बाल, माथे मोरा सुंदर शोभे सर घुंघराले बाल, और कानन बाली ओठन लाली नैना बने विशाल बनिए जैसे है हिरना। आए हिरना याद कपिल वस्तु के बीज बने गौतम वरना जी गौतम वरना। सखियां मंगल गा रही हैं और वरना बने महल ने गौतम शोभा कहीं न जाए। हाँ वरना बने महल ने गौतम शोभा कहीं न जाए। ओ सुंदर छवि नाई बरनी जाते चंद्र देखी शरमाई, सखी ने मंगल गाए आज कपिल वस्तु के बीच बने और माता पिता दिल खुशी मनाने सिद्धोदन महाराज। प्रे माता पिता घर खुशी मनाने सिद्धोदन महाराज। और दुल्हा बने महल में गौतम शोभा बरनी न जाती, बनिए जैसे है हिरना आज कपिल वस्तु के बीच बने गौतम वरना जी गौतम वरना। मेरे भैया इस तरह से आज सिद्धार्थ को वरना बनाया गया है जिस समय और किशन भैया आज कल वरना बनाओ जात पूरो जोकर बनाए दो जात हैं। उस समय सिद्धार्थ को वरना बनाया गया और मेरे भैया जिस समय सिद्धार्थ ने परात तैयार किए और चले हैं तो सखियों ने मंगल गाए हैं, लेकिन आज भी मेरी माताएं बहने गीत गाती हैं, लेकिन पता नहीं कौन से वेद से वो गीत निकलते हैं। सुना है हमने कौन कौन से गाती हैं, के ऊंची सड़क नीची बगिया रे बरना भाजो जाए बरना भाजो जाए, इस तरह से आज सिद्धार्थ को वरना बनाया है। जिस समय दंडपाल के दरबार पर पहुंचे हैं तो ऐसा ही नहीं, सभी लोगों को दंडपाल ने आदर्श से बैठाला, ऐसा ही नहीं कि आदरी से तभी बिठाई ले और स्वयंवर की करी तैयारी। जीजा सुनील आज दंडपाल के दरबार पर जिस समय पहुंचे हैं आतर से तभी बिठाई ले
करने पर मेलों में खुशी नहीं जाती है। मेरे भैया, इस प्रकार से आज सिद्धार्थ जिस समय दंडपाल के दरबार पर पहुंचे हैं, तो याद रखना सभी को बड़े प्रेम से बैठा लाए है। इधर कोपाक को सखियां बरनी बना रही हैं, किस प्रकार कितनी सुंदर थी की जाए चंद्र देख शर्माए और बनी है गोप।